वन वेलकम बैक टू गेट अनदर वीडियो फ्रॉम माय चैनल इंटरेक्टिव एजुकेशन रनिंग फॉर द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल फ्रॉम द स्टूडेंट टू द स्टूडेंट मैं हो जयदीप सिंह और मैं आ गया हूं वापस एक और क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर लेकर दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का पहला लेक्चर दैट इज बेस्ड ऑन द पीरियड बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो पिछली वीडियो में हमने देखा है कि

बेसिकली एक ओल्ड फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था क्या था ओल्ड फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था जिसमें हम बेसिकली देखते थे कि इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स होता था लेकिन ये फैक्ट्रीज में नहीं होता था ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए ही होता था इट यूज्ड टू बी मैन्युफैक्चर फॉर इंटरनेशनल मार्केट ओनली बट इट यूज्ड टू बी स्मॉल यूनिट्स एट डोमेस्टिक नहीं होता था और इसमें टेक्नोलॉजी की थी, तो इस बा मैन्युफैक्चर एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए होता था लेकिन यह स्मॉल यूनिट में होता था और वो भी डोमेस्टिक लेवल पर होता था और इसमें टेक्नोलॉजी की यूज मिनिममल होती थी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी वह यूज लेकिन फिर भी ये इंग्लैंड और यूरोप के बहुत सारे एरियाज़ में मिलता था प्रोटो इंडस्ट्रियल यूनिट्स मिलते थे घर पे यूजली लोग इकट्ठे करते थे इसके पिक्चर्स यहां देख सकते हैं ये आपके एनसीआरटी से ही लिया हुआ है यहां एक वुमन है और उसकी फैमिली पूरा इकट्ठे काम करके दे आर ट्राइंग टू

फैक्ट्री से पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी लेकिन इस टाइप की इंडस्ट्रियलाइजेशन थी जहां पे ओल्ड फॉर्म थी मैन्युफैक्चर इंटरनेशनल मार्केट के लिए होता था लेकिन स्मॉल यूनिट्स और डोमेस्टिक लेवल पर होता था टेक्नोलॉजी का यूज मिनिमल रहता था इसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं वर्ड प्रोटो ओनली मीन्स किसी चीज का पहला फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और प्रिमेटिव फॉर्म ठीक है तो ये था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बैकड्रॉप में ही सेवेंटीन और एटीन सेंचुरी में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ वो था मर्चेंट्स का मूवमेंट मर्चेंट्स आपको पता है कौन होते थे मर्चेंट्स वो बेसिकली डीलर्स ट्रेडर्स उन्हें मर्चेंट्स कहते हैं सेवनटीन और एटीन सेंचुरी में मर्चेंट्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज की ये टाउन से कंट्री साइड तक जाने लगे आप देख रहे हैं ये टाउन से कंट्री साइड तक जाने लगे और वहां जाकर इन्होंने पेजेंट्स और आर्टिशंट को पैसे सप्लाई किए ताकि वो एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर सकें ताकि वो पैसे का यूज करके चीजें खरीद सकें दे कुड सप्लाई दे कुड प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट एंड देन मर्चेंट्स कुड सेल इट ठीक है और दे कुड एक्सपोर्ट इट लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया इसका सोल्यूशन सिंपल है इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये प्रोडक्शन टाउन में एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे क्यों नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टाउन में ट्रेड गिल्ड्स और अर्बन क्राफ्ट की प्रेजेंस थी अब ये ट्रेड गिल्ड्स और अर्बन क्राफ्ट क्या है भाई यहां पे हम देखते हैं ये ट्रेड गिल्ड्स के पॉइंट्स हैं ट्रेड गिल्ड्स बेसिकली एसोसिएशन होते थे ठीक है ये होते थे जो मोनोपली मेंटेन करके रखते थे ट्रेड पर ट्रेड पर इन्होंने एक मोनोपली मेंटेन कर रखी थी क्यों ये मोनोपली मेंटेन कर रखी कर रखी थी क्योंकि इनको रूलर से राइट्स ग्रांटेड थे इनको रूलर से राइट्स दिए गए थे किंग्स ने रूलर्स ने इन्हें राइट्स दिए थे जिसके जिसका यूज करके ये मोनोपली मेंटेन करके रखते थे ट्रेड पर मोनोपली ओवर ट्रेड मींस वो एक तरह से कंट्रोल रखते थे ट्रेड पर ट्रेड उनका ही एक ठेका काइंड ऑफ था तो ये मेंटेन करके रखते थे मोनोपली ओवर द ट्रेड द रेगुलेटेड प्राइसेस ये प्राइसेस का रेगुलेशन करते थे और ये क्राफ्ट पर्सन को ट्रेन करते थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये रिस्ट्रिक्ट करते थे न्यूबीज इनटू न्यू मार्केट दे दी टू रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ न्यूबीज इनटू द मार्केट न्यूबी मीन न्यू मैन्युफैक्चरर्स न्यू प्रोड्यूसर्स इनटू द मार्केट तो इन्होंने पूरा रेगुलेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशन है वो अपने साथ रखा था दे डिड नॉट गिव इट टू एनी एल्स राइट दे डिड नॉट वॉन्टेड टू

इन्होंने मर्चेंट्स के लिए रेडिली काम करना शुरू कर दिया दे वर्किंग फॉर मर्चेंट्स और बेसिकली जब ये हुआ, ये हुआ एनक्लोजर मूवमेंट का टाइम था किसका टाइम था एनक्लोजर मूवमेंट का टाइम था अगर आपने 9th में है about, uh, uh, जो इंग्लैंड में एनक्लोजर मूवमेंट था था स्टैंडर्ड के चैप्टर में वो वोजेंट्स एंड फार्मर्स में तो वहां पे एनक्लोजर मूवमेंट की बात की गई है एनक्लोजर मूवमेंट इंग्लैंड में एक मूवमेंट था जहां पे बेसिकली जो कॉमन एरियाज ऑफ लैंड होते थे एक्चुअली पहले कॉमन एरियाज ऑफ लैंड होते थे ये कॉमन एरियाज ऑफ लैंड पे कोई भी आके ग्रेजिंग कर सकता था फायरवुड ले सकता था फॉरेस्ट uh, प्रोड्यूस ले सकता था फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉमन एरिया था सबके लिए और peasants और पुअर ऑफ फार्मर्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था क्योंकि सारे सप्लाईज यहीं से लाते थे लेकिन आफ्टर अ पॉइंट एटीन सेंचुरी या लेट एटीन सेंचुरी तक यहाँ पे इंक्लोजर मूवमेंट स्टार्ट हो गई जहां पे कॉमन लैंड को फेंस करने लगे और फेंस करके कॉमन लैंड्स पर प्राइवेट ओनरशिप स्टार्ट हो गई उन पे पब्लिक ओनरशिप नहीं रही अब जब ये मूवमेंट हुआ तो ये जो जो पुअर और फार्मर्स इस ओपन लैंड कॉमन्स पर डिपेंडेंट थे जो कि इस इन कॉमन्स पर डिपेंडेंट थे उनको ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ सर्वाइवल ढूंढने पड़े ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली अब वो कॉमन एरियाज में जा नहीं सकते तो प्राइवेट ओनरशिप हो गई है सो दे हैड टू लुक फॉर देरनेट सोर्सेज ऑफ सर्वाइवल और ऊपर से बात ये थी कि अगर इनके पास लैंड था भी ज्यादातर तो के पास लैंड नहीं था लैंडलेस थे लेकिन इवन इफ दे ओन लैंड दे ओन वेरी टाइनी प्लॉट्स ऑफ लैंड विच कुडंट हेल्प मच ज्यादा ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे ज्यादा प्रोड्यूस तो निकलती नहीं क्योंकि टाइनी प्लॉट्स ऑफ लैंड थे और टाइनी प्लॉट्स ऑफ लैंड होने के कारण दे नॉट अर्न मच फ्रॉम दोज लैंड्स

तो में रहकर ये अपने स्मॉल प्लॉट्स को भी कर सकते थे इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी और इसके कारण income, है? कर, दूसरा अपना कल्टीवेशन करके कुड सप्लीमेंट देर इनकम और काफी इनकी इनकम में इंप्रूवमेंट आई और पेजेंट्स और की एक्सेप्टेंस के बाद एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया बिटवीन द टाउन एंड कंट्रीसाइड क्यों क्योंकि और के बीच में जो और आर्टिस्ट से प्रोडक्शन करवाते थे तो मैन्युफैक्चरिंग लिंक कंट्री साइड और टाउन दोनों में बन गया ठीक है देव अ मैन्युफैक्चरिंग लिंक बिटवीन द कंट्री साइड एंड द टाउन ठीक है और इसके कारण डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वर

एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए इसके बाद कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड सिनोनिमस टू मशीन एंड फैक्ट्रीज मशीन और फैक्ट्रीज के अलावा भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक हिस्ट्री थी जो अभी हमने देखी है ठीक है ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था लेकिन फाइनली सेवनटीन में फैक्ट्रीज आर आ फाइनलीवनटीन थर्टीज में फैक्ट्रीज आ गए अर्लिएस्ट फैक्ट्रीज केम अपन से फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट होने लगा और बेसिकली इससे मास मैन्यूफैक्चर का आइडिया डिवेलप हुआ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल बिजनेस ना इस्टेब्लिश हुई इंग्लैंड में बेसिकली इंग्लैंड में सेवनटीन थर्टीज में आई थी तो इन फैक्ट्रीज के आने के बाद सबसे अर्ली इफेक्ट कॉटन प्रोडक्शन पर देखने को मिले ठीक है सबसे अर्ली इफेक्ट जो है इसके वो कॉटन प्रोडक्शन पर देखने को मिले क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन को अफेक्ट करने के लिए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस आए बहुत सारे सीरीज ऑफ इन्वेंशंस आए जिन्होंने कॉटन प्रोडक्शन को अफेक्ट किया एंड दे इंक्रीज द आउटपुट पर वर्कर ये जो इन्वेंशंस थे इन्होंने मशीन सी इन्वेंशन से और इन्होंने बेसिकली वर्कर्स के लिए काम करना इजी कर दिया और इसलिए आउटपुट पर वर्कर पर वर्कर जो काम कर सकता था उसका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो गया इसके साथ साथ स्ट्रॉगर थ्रेड एंड ऑल्सोलिश स्ट्रॉगर थ्रेड एंड ऑल्सो मेड एंड अगेन इंक्रीज दसी ऑफ द मैन्यूफेक्चर ठीक है तो आप देख सकते हैं ये तो सीरीज ऑफ इन्वेंशन से इतना कुछ हो गया तो अगर कॉटन में लाएगा तो क्या होगा तो सोचो फिर रिचर्ड आक्राइट ने इन्वेंट किया द कॉटन मिल रिचर्ड आक्राइट द कॉटन मिल रिचर्ड आक्राइट ने कॉटन मिल जब इन्वेंट किया उसके बाद तो कॉटन प्रोडक्शन की हिस्ट्री बदल गई फ्रेंड्स ऑल प्रोसेस वर अंडर वन रूफ कॉटन मिल है एक ही कॉटन मिल में स्टेपलिंग भी होगा क्लीनिंग भी होगा फिल्टरिंग भी होगा जो वीविंग है स्पिनिंग है ये सब एक ही रूफ के अंडर होगा पहले क्या था कंट्री साइड में कुछ काम होता था टाउन में कुछ काम होता था तो इट स्कैटर्ड स्कैटर्ड एक्चुअली द मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती थी वो पूरी तरह स्कैटर्ड थी कभी मैन्युफैक्चरिंग कुछ एरियाज में होती थी कुछ कंट्री साइड में होती थी कुछ टाउन्स में होती थी कुछ सिटीज में होती थी कुछ रूरल एरियाज में होती थी कुछ विलेजेस में होती थी और फिर इकट्ठे करके उनको एक सेंट्रल लोकेशन पे लाकर उनका असेंबली uh, करनी पड़ती थी लेकिन जब रिचर्ड आक्रेट ने कॉटन मिल का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया उसके बाद सारे जो भी प्रोसेसेस हैं वो एक ही रूफ के अंडर आ गए दे ऑल केम अंडर वन रूफ दैट इज अंडर द कॉटन मिल कॉटन मिल में ही सब कुछ होने लगा और इससे बेटर सुपरविजन हुई और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई देयर वाज बेटर एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ठीक है इससे प्रोडक्शन की क्वालिटी इमेंसली इंक्रीज हुई और मास मैन्युफैक्चर का आइडिया भी फैल गया क्लियर? So, ये बेसिक आइडिया था कि कैसे फैक्ट्रीज ने मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव किया कैसे फैक्ट्रीज ने मैन्युफैक्चरिंग को इनहस किया और तभी आज आप इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में फैक्ट्रीज ही आती हैं क्योंकि फैक्ट्रीज आर नाउ वेरी वेरी इंटीग्रल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता था ठीक है अगर आप देखें ये था रिचर्ड आक्राइट का कॉटन मिल ठीक है ये रिचर्ड आक्राइट का कॉटन मिल था अगर आप देख सकते हैं दिस वाज रिचर्ड आक्राइट कॉटन मिल और इसे क्रॉमफोर्ड मिल भी कहा जाता है ठीक है इसका इसका दूसरा नाम क्रॉमफोर्ड मिल है और ये रिचर्ड आक्राइट का कॉटन मिल था विच वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल टू बी एस्टैब्लिश क्लियर आप देख सकते हैं अभी तो इट इट्स लुक्स बेसिक लेकिन फिर भी यहां इंटरनली बहुत काम होता था देखिए कितने विंडोज हैं हर रूम में एक काम होता था तो ऑब्वियसली एवरीथिंग वॉज ब्रॉट अंडर वन रूफ ठीक है तो ये आपका क्रॉम फोर्ड मिला गया ठीक है तो ये हमने फैक्ट्रीज की बात देखी है ना लेकिन पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज क्या इंडस्ट्रियल चेंज बहुत तेज हुआ क्या इंडस्ट्रियल चेंज स्लोली आया इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल चेंज चेंज का रेट क्या था और किस स्पीड पर हमेशा आपको याद रखना है कि ब्रिटेन में कॉटन एंड स्टील वो द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज ठीक है कॉटन और स्टील ये जो दोनों इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत डायनामिक इंडस्ट्रीज थी बहुत मेजर इंडस्ट्रीज थी और

तो आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे स्टील मैन्युफैक्चर अप ऑब्वियसली अगर आप एक्सपैंड कर रहे हैं रेलवे तो ये सीधी सी बात है कि वहां स्टील का यूज है 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 ना अगर वहां स्टील का यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्टील की डिमांड बढ़ेगी और स्टील की डिमांड को मीट करने के लिए स्टील मैन्युफैक्चर बढ़ेगा ठीक है और ये था बेसिकली कैसे द मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टेड तो इसलिए इससे क्या हुआ स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी हद तक बढ़ गया स्टील का मैन्यूफेक्चरिंग इंक्रीज लॉट इन ब्रिटेन एंड ऑल्सो इट्स एक्सपोर्ट इंक्रीज लॉट इन ब्रिटेन ठीक है तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात हम बात करेंगे क्या? इंडस्ट्रियल बंद हो गए ऐसा नहीं है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्टिल रिमेन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज अभी भी रही थी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज नहीं हटी और ये लार्ज पोर्शन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट स्टिल केम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक प्रोडक्शन लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट ज्यादातर जो मैनुफैक्चर होके सामान बनता था अबाउट ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑफ इट वो स्टिल फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल यूनिट अभी भी वो प्रोटो इंडस्ट्रियल यूनिट से ही आता था वो फैक्ट्रीज और ये बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस से नहीं आता था ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक यूनिट से ही आता था तीसरी बात क्या ये इनोवेशन जो हमने इतनी रेडिकल इनोवेशन देखी है इन द बिग इंडस्ट्रीज क्या ऐसी बड़ी बड़ी इनोवेशन प्रोटो इंडस्ट्रियल सेक्टर या कि डोमेस्टिक यूनिट्स में भी हुई थी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स स्मॉल इनोवेशन जरूर हुई थी लेकिन इतनी बड़ी बड़ी इनोवेशन नहीं हुई हाउएवर दीज स्मॉल इनोवेशन वो हेल्पफुल इन इंप्रूविंग प्रोडक्शन स्मॉल इनोवेशन इंप्रूव्ड प्रोडक्शन इन नॉन मैके सेक्टर्स सच एज फूड प्रोसेसिंग बिल्डिंग पॉटरी एंड ग्लास वर्क ठीक है ऐसे ऐसी चीजों में स्मॉल इनोवेशन छोटी छोटी इनोवेशन ने बहुत प्रोडक्शन इंप्रूव किया फूड प्रोसेसिंग इंप्रूव किया बिल्डिंग इंप्रूव किया पॉटरी इंप्रूव की एंड ग्लास वर्क वॉज ऑल्सो इंप्रूव ठीक है और फाइनली ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से फैली या स्लोली फैली टेक्नोलॉजी का स्प्रेड बहुत स्लो था फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी स्प्रेड वेरी स्लोली ड्यूरिंग दिस टाइम और इसके कई रीजन हैं और मेन रीजन हैं कि इट वाज एक्सपेंसिव ऑब्वियसली उस टाइम एक्सपेंसिव था सारे इंडस्ट्रियलिस्ट टेक्नोलॉजी लेने से थोड़ा कतराते थे, थे क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती थी इससे बेहतर तो वो हैंड लेबर ही यूज करें ऑफन ये ये टेक्नोलॉजी ब्रेक डाउन कर जाती थी ऑफन ये मशीन ब्रेक डाउन कर जाती थी और इन्हें रिपेयर की जरूरत पड़ती थी तो ऑब्वियसली आपने पहले इतने पैसे दिए हैं ये ऊपर से और खराब हो रही है उसका रिपेयर का भी पैसा देना पड़ेगा सो तो इट तो वॉज टू मच इन्वेस्टमेंट

इट वाज़ ओरिजिनली प्रोड्यूस बाय न्यू कॉमन ओरिजिनली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यू कॉमन एक इंजीनियर थे उन्होंने इसे प्रोड्यूस किया था लेकिन न्यू कॉमन का जो स्टीम इंजन था उसे इंप्रूव करके पेटेंट किया गया था बाय जेम्स वॉट इन 1781 जेम्स वॉट बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट हैं। आज आप वर्क एनर्जी पावर फिजिक्स में पढ़ते हैं इट इज बिकॉज ऑफ जेम्स वॉट आप एनर्जी पढ़ते हैं इट इज बिकॉज ऑफ जेम्स वॉट उनका इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑनर वन वॉर्ड तो इस स्टीम इंजन को इंप्रूव किया और पेटेंट किया जेम्स इन 1781 लेकिन इनके एक फ्रेंड थे मैथ्यू बोल्टन ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ये पेटेंटेड मॉडल

बहुत सालों तक देवर नो बायर्स फॉर द स्टीम इंजन बहुत सालों तक स्टीम इंजन के लिए कोई बायर ही नहीं मिला नो वन बॉट द स्टीम इंजन बहुत कम स्टीम uh, इंजन का यूज हुआ बहुत कम स्टीम इंजन के यूनिट्स बिके ओनली अबाउट यूनिट इन वन आई थिंक अबाउट एट्टी टू वन हंड्रेड इतना ही बेचा गया ज्यादा नहीं बिका ऑब्वियसली इससे मैथ्यू बोल्टन को लॉसेज हुए बट इट्साइम जायज था बिकॉज उस टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से थोड़ा लोग एप्रिहेंसिव uh, थे और ये एक बेसिक एग्जांपल था कि कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट वो स्लो टू एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट एक्टिवली एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम उस टाइम थोड़ा स्लो थे एक्सेप्ट करने में क्योंकि रीजन क्लियर है

So, basically, understand that all this happened before the Industrial Revolution. At the end of the day, till about the late 18th and early 19th century, most of the industrialists were still apprehensive of taking technology uh, as a full time thing, and also they were more. Um,

जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन फॉर द प्रोग्रेस हुई क्लियर थैंक यू मी। यू कैन फाइंड द प्ले लिस्ट ऑफ दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो गुड बाय स्टे हेल्थी स्टे स्मार्ट डू कीप स्टार्टिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू